आज हम आपको लेकर आए हैं ऑटो एक्सपो 2020 में और ये है एमजी का पेवेलियन। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एमजी यानी कि मॉरिस गैराज की सभी कारें। एमजी एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि इंडिया में गुजरात में अपना प्लांट लगा चुकी है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 80,000 यूनिट्स पर ईयर है। अभी जो ये कार देख रहे हैं आप, ये है एमजी की हेक्टर प्लस। एसयूवी के इस 6 सीटर वर्जन को जुलाई 2020 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी एस्टिमेटेड प्राइस 14 लाख से 19 लाख रुपीस तक हो सकती है। हेक्टर प्लस के 6 सीटर वर्जन के बाद दिवाली तक इसका 7 सीटर वर्जन भी लॉन्च हो सकता है। इसके बाद हम आपको सीधे लिए चलते हैं एमजी की एक और कार ग्लोस्टर की तरफ। ग्लोस्टर चाइनीज मार्केट में बिकने वाली मैक्स D90 का इंडियन वर्जन है। इंडिया में ये कार 2020 के एंड तक लॉन्च हो सकती है। इसकी एस्टिमेटेड प्राइस 28 लाख रुपीस से लेकर 35 लाख रुपीस के बीच रहेगी। इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। ये गाड़ी 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन में आ सकती है। इसके डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आएंगे। अगर हम बात करें इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको मिलेंगे LED DRLs और साथ में मिलेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। इसके अलावा आपको मिलेंगे पैनोरामिक सनरूफ, रूफ रेल्स, पावर्ड फ्रंट सीट्स, 8 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा। अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो इसमें आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट। ग्लोस्टर में आपको हेक्टर की तरह ही कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। इस कार का मुकाबला टोयोटा फॉर्चूनर, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा की अल्टूरस G4 से होगा। इस कार की लंबाई लगभग 5 मीटर है। देखने में ये कार काफी अच्छी लग रही है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कार की तरफ। ये है एमजी की EMG6, जिसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। इसके साथ ही इस कार में आपको मिलती है एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर। कंपनी क्लेम करती है कि ये कार हाइब्रिड मोड पर 705 किलोमीटर की रेंज और इलेक्ट्रॉनिक पावर पर 53 किलोमीटर की रेंज देती है। आपको इस कार में सनरूफ भी मिलती है। इस कार के इंटीरियर में बहुत से फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 2 डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें मिलता है आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सेडान सेगमेंट की गाड़ियों में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। चाइना में ये कार पहले से ही बाओजुन ब्रांड के अंडर बेची जा रही है। भारत में लॉन्च के बाद EMG6 का मुकाबला हुंडई की इलेक्ट्रा, टोयोटा की कोरोला, एल्टिस और हुंडई सिविक से होगा। एमजी की अगली कार आपको दिखाते हैं ZS। एमजी ZS में आपको 2 पेट्रोल इंजन चॉइसेस मिलेंगी। पहले इंजन में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो 120 bhp पावर और 150 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करता है। वहीं बात करें दूसरे मॉडल की, तो इसमें आपको 1.3 लीटर का टर्बोचार पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 163 bhp पावर, 230 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करता है। एमजी ZS में 5 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन भी दिया जाएगा। इस कार को लगभग 24 लाख के प्राइस पर इंडिया में उतारा जा सकता है। एमजी ZS में आपको नए डे टाइम रनिंग लाइट, शार्प प्रोजेक्टर हेडलैम्प और ग्लास ब्लैक फ्रंट ग्रिल मिलते हैं। इसमें आपको नए ड्यूल टोन पॉल्टी अलॉय व्हील भी दिए गए हैं। इसके अलावा आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल, ABS, EBD, फ्रंट साइड और रियर एयरबैग, हिल असिस्ट, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को। एमजी की अगली कार जो कि एक प्रीमियम MPV है, इसका नाम है G10। ये कार 7 और 9 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के मार्केट में ये कार पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। भारत में इसे 2020 के मिड में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी भारत में इस कार का प्राइस 20 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच रख सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में G10 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.9 लीटर डीजल इंजन में उपलब्ध है। इसके 2 लीटर पेट्रोल इंजन का आउटपुट 224 PS और 345 Nm है, तो वहीं 1.9 लीटर डीजल इंजन 150 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये दोनों ही इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस के साथ आते हैं। इसकी अपकमिंग MPV के इंडियन वर्जन में ये दोनों इंजन का ऑप्शन ही दिया जा सकता है। इसकी 3 हिस्सों में बटी हुई सनरूफ काफी खास है। एमजी ने भारत में ZS का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी पेश कर दिया है, जो कि है ZS EV। इस कार के 2 वेरिएंट एक्साइट और एक्सक्लूसिव अवेलेबल हैं।
MG ने अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक SUV के Excite वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 21 लाख रुपए रखी है और एक्सक्लूसिव वेरिएंट की कीमत 24 लाख रुपए रखी है। इस गाड़ी में 44.5 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है, जिससे 143 PS की अधिकतम पावर और 353 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मोटर से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि ये बैटरी IP67 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है। MG के अनुसार यह कार फुल चार्ज होने पर अप्रोक्सीमेटली 340 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इसके साथ आपको 7.4 किलोवाट का AC वॉल बॉक्स चार्जर मिलेगा, जो 6 से 8 घंटों में कार को 0% से 100% तक चार्ज कर पाएगा। इसके अलावा यह गाड़ी 50 किलोवाट के डायरेक्ट करंट फास्ट चार्जिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। इसके जरिए इसे केवल 50 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा। कंपनी गाड़ी के साथ एक छोटा पोर्टेबल चार्जर भी देगी, जिसे रेगुलर 14 एम्पियर वाले किसी भी सॉकेट में लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल SUV सेगमेंट में इस गाड़ी का मुकाबला Hyundai Kona इलेक्ट्रिक और अपकमिंग Nissan Leaf से है। MG की एक और कार RC6, इस कार में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। कंपनी ने यही इंजन हेक्टर कार में भी दिया है। इसके अलावा कंपनी 2 लीटर डीजल इंजन भी ला सकती है। यह कार भारत में मार्च 2021 तक आ सकती है। MG की अगली कार है MG3। इंडिया में इस कार की एक्स शोरूम प्राइस 6 लाख रुपए के आसपास रहेगी। ये कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगी। फिलहाल ये कार यूनाइटेड किंगडम, चाइना और थाईलैंड जैसे देशों में बेची जा रही है। सभी जगह ये कार सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन में ही मौजूद है। इस कार में आपको 1.3 लीटर और 1.5 लीटर के इंजन का ऑप्शन मिलता है। भारत में ये कार मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई i20 और टाटा एल्ट्रोज के साथ कम्पीट करेगी। इस कार का 1498 cc का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन प्रोड्यूस करता है 104 bhp और 137 nm का टॉर्क। इस कार की मैक्सिमम स्पीड 174 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज दे देती है। ये कार 0 से 100 की स्पीड पर पहुंचने में 10 सेकंड का समय लेती है। ये है MG की MG Vision i कार, जो कि एक कंसेप्ट कार है। कंसेप्ट कार वो कार होती हैं जो प्रोडक्शन के लिए अभी रेडी नहीं है। कार्स के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए MG ने इस कार को शोकेस किया है। ये एक ऑटोनोमस कार है। ये दुनिया की पहली ऐसी कार है जिसमें 5G स्मार्ट कॉकपिट है। MG ने इस 5G स्मार्ट कॉकपिट को नाम दिया है SPV, यानी कि इस कार में इंटेलिजेंट फीचर्स तो हैं ही, साथ में ये कार पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट भी करती है। ये एक MPV है जिसमें 4 लोगों के बैठने के लिए जगह है। क्योंकि ये एक ऑटोनोमस व्हीकल है तो इसमें कोई स्क्रीन नहीं दी गई है। इसके डिज़ाइन को नॉर्मल रखने की कोशिश की गई है, लेकिन दोनों ही तरफ स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें न होने के कारण काफ़ी स्पेस रहता है। MG की पेरेंट कंपनी SAIC ने सबसे पहले इस कार को संघाई मोटर शो 2019 में शोकेस किया था। संघाई में इसे रोवी विजन आई के नाम से पेश किया गया था। इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन काफ़ी शानदार है। इस कार में कुछ ऐसे ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं जो पहले कभी किसी कार में नहीं दिए गए, जैसे एजुकेशन, लेजर, स्लीपिंग, मीटिंग। जी हाँ, ये सभी ड्राइविंग मोड्स के ही नाम हैं। इस इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि इंडियन मार्केट में अभी इसके प्रोडक्शन मॉडल के आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो चलिए देखते हैं MG की अगली कार, जो कि है एक रेसिंग कार। यह है MG की एक्स पावर। इस कार की एग्रेसिव एक्सटीरियर स्टाइलिंग काफ़ी शानदार है। इस कार में आपको मिलता है 350 hp का 2.02 टर्बो चार्ज इंजन। अगर आप रेसिंग कार पसंद करते हैं तो ये कार आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। MG6 एक्स पावर TCR रेसिंग मॉडल, एक्स पावर के साथ आने वाला पहला मॉडल है ये। ये कार मात्र 4 सेकंड में 0 से 100 तक की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें मिलते हैं आपको LED हेडलैम्प और LED DRL। ये कार इक्विप्ड है X-Track 6 स्पीड सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन के साथ। इस कार में आपको मिलते हैं पैडल शिफ्ट कंट्रोल्स, डिफरेंशियल लॉक, डायरेक्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और ओपन एंड क्लोज स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट। MG की यह अगली नई कार एक माइक्रो इलेक्ट्रिक कार है। इसका नाम है MG E 200। ये इलेक्ट्रिक कार ट्रैफिक में बड़े काम की साबित हो सकती है। इस कार में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। इस छोटी इलेक्ट्रिक कार में लिथियम आयन बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये माइक्रो कार 210 किलोमीटर तक चलेगी। इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। फीचर्स की अगर बात करें तो इस छोटी सी कार में आपको AC और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा इसमें आपको चार्जिंग, पार्किंग, नेविगेशन,
पावर सप्लाई, व्हीकल इंस्पेक्शन, 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले, ABS, EBD और एयरबैग जैसे फीचर मिलते हैं। इस माइक्रो कार को फिलहाल भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद नहीं है, हालांकि सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा दे रही है, जिसे देखते हुए कंपनी इसे कुछ समय बाद भारत में लॉन्च कर सकती है। अगर इसे भारतीय बाजार में उतारा गया तो इसकी टक्कर पेट्रोल इंजन वाली बजाज क्यूट क्वाड्रीसाइकिल से होगी। इन सभी नई कार के बीच MG ने दिखाई अपनी 1965 की MGB GT कार, जो कि देखने में काफी शानदार लग रही है। कार को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आने वाला वीडियो आप किस कार पर चाहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल शिवाय न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।